क्या सीएम की कुर्सी छिन जाने के बाद चंपाई सोरेन जेएमएम से बगावत करेंगे? क्या पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो जाएंगे? क्या लोबिन हेम्ब्रम इस बार कमल थाम कर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव? सियासी गलियारों में ये सवाल तब उठने शुरू हो गए जब खबर मिली कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि ना तो अब तक चंपाई सोरेन या लोबिन हेम्ब्रम ने दी है और ना ही भाजपा ने इस पर मुहर लगाया है, लेकिन ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लग सकता है। इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव के दौरान भी उठाना पड़ सकता है। दरअसल चंपाई सोरेन से जिस तरह सीएम की कुर्सी छीन कर वापस हेमंत सोरेन को दे दी गई, उसी दौरान उनका एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा था। इस तस्वीर में उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। वह पार्टी से काफी दुखी और नाराज बताए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त पर पार्टी और सत्ता की कमान संभाली जब झारखंड की राजनीति पर गहरा संकट मंडरा रहा था। 31 जनवरी की रात को कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने पार्टी को संकट से उबारने की कोशिश की। उन्होंने सीएम की कुर्सी ही नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी साधने का भरसक प्रयास किया। 5 महीने जब तक हेमंत सोरेन जेल में रहे, तब तक चंपाई सोरेन ने अपना दायित्व बखूबी निभाया। चंपाई सोरेन की स्वच्छ छवि के कारण उनके कार्यकाल में भाजपा या किसी अन्य दल के नेता चंपाई सोरेन पर सीधे सीधे उंगली उठाने से भी बचते दिखाई दिए, जो कि हेमंत सोरेन सरकार में नजारा काफी अलग था। लोगों के मन में चंपाई सोरेन ने जगह बना ली थी। मुख्यमंत्री रहते भी उन्होंने अपनी साफ छवि पर दाग नहीं लगने दी, लेकिन जब ठीक 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन जेल की यात्रा कर वापस लौटे तो उन्होंने सत्ताधारी दल की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री की कमान अपने हाथों में ले ली। बताया गया कि मीटिंग के बीच में ही चंपाई सोरेन उठकर चले गए थे। वह इस तरह से अपनी कुर्सी छीने जाने से काफी नाराज चल रहे थे। हालांकि मुंह बंद कराने के लिए चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद देकर लॉलीपॉप थमा दिया गया, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। उस दौरान भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने भी चंपाई सोरेन के कार्यकाल की सराहना की थी और इसे जेएमएम द्वारा अपने वरिष्ठ नेता का अपमान करार दिया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने पिछले महीने कहा था कि जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे तो किसी मामले की जानकारी मिलने के बाद वो तुरंत उस पर काम करते थे, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। ये एक तरह से चंपाई सोरेन का पॉलिटिकल मर्डर है। वो अच्छा काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें पद से हटा दिया गया। तब से ही ये चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री की ये नाराजगी विधानसभा चुनाव के दौरान बखूबी देखने को मिल सकती है। अब नजारा कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ सकता है। वहीं बात करें बोरियो से पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम की, तो बीते दिनों विधानसभा स्पीकर के फैसले के तहत उनकी विधायकी चली गई थी। दरअसल राजमहल लोकसभा सीट से विजय हांसदा को जेएमएम का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बावजूद लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। जेएमएम के चेतावनी के बावजूद उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। इस बगावती तेवर को देखते हुए पार्टी ने स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल का केस कर दिया था। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम ने अपने बचाव में ये भी कहा था कि जब उन्होंने किसी पार्टी में शामिल न होते हुए निर्दलीय ही चुनाव लड़ा तो उन पर दल बदल का केस कैसे चल सकता है। हालांकि मामले में वह दोषी पाए गए और उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। सूत्रों से जानकारी मिली कि जेएमएम ने रणनीति के तहत उन पर केस दर्ज किया था, क्योंकि वह अक्सर पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते रहे हैं। उनकी एक्टिविटी को देखते हुए पार्टी उन्हें इस बार बोरियो से विधानसभा का चुनाव लड़ाना नहीं चाहती थी। उनके बदले हेमलाल मुर्मू को सीट पर मौका दे सकती है। जेएमएम की इस बेरुखी के कारण दोनों ही वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम अब पार्टी से बगावत कर सकते हैं। खबर है कि इन दोनों के साथ साथ मोर्चा के कुछ अन्य विधायक भी हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो अगले 1 से 2 दिन में चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं।
अगर ऐसा होता है तो जेएमएम सहित पूरे इंडिया गठबंधन के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुल्हान ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य क्षेत्रों से भी वोटों का नुकसान हो सकता है, पार्टी की छवि धूमिल भी हो सकती है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा, जोहार।